सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल एडिटिंग इंडिया को, साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहां पर फार्मेसी या फिर डॉक्टर बनने के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। भाई जिसने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हम बात करने वाले हैं फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बात करने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली मेरी तीन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दीपसार के फॉर्म ऑनलाइन है और आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन कैसे होता है, सब कुछ मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करते वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग डेट्स कवर कर चुके हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी कवर कर चुके हैं। पिछले साल की कट ऑफ जो दोस्तों वो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। पिछले साल की कट ऑफ से दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, आप मुझे पिछले साल की कट ऑफ बताइए कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, हम उसके हिसाब से हम अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैं तो आपसे कहूँगा कि कट ऑफ के हिसाब से फॉर्म मत भरिएगा। अगर आपकी जितनी ही परसेंटेज बनती है आपका हो सकता है आराम से, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगे रहिए हमारी वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ कट ऑफ क्या है। और दोस्तों कट ऑफ ये हर साल बढ़ती घटती रहती है और उस पर कोई इतना घबराने वाली बात नहीं कि इस बार कट ऑफ हाई गई है, मेरी परसेंटेज कम है तो कैसे होगा कैसे होगा। दोस्तों कट ऑफ बढ़ती घटती रहती है और वैसे हर साल वैसे बढ़ती है, घटती तो बहुत कम है लेकिन फिर भी घटती है बढ़ती रहती ही है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा दीपसार के बारे में जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। दीपसार एक कॉलेज है फार्मेसी का, काफ़ी बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों इसका ये डी फार्म बी फार्म बीपीटी करवाता है और वो ये जो एडमिशन लेता है ये सिर्फ मेरिट बेस पर ही एडमिशन लेता है। जैसी आपकी मेरिट होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा तीनों कोर्सेज में, बी फार्म में, डी फार्म में और बीपीटी में। और दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें चाहिए होते हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। अब दोस्तों आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सन 2018 कट ऑफ है, यहाँ पर डी फार्म जो है वो जर्नल की 83.3 थी है ओबीसी की। आप इसी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं फिर आप ये कट ऑफ देख सकते हैं आराम से, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये कट ऑफ कौन कौन सी कट ऑफ है। दोस्तों आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि लास्ट एडमिशन कितने पर हुआ था। जर्नल का 83.3 पर, ओबीसी का 76.6 का, एससी का 71.3 का, एसटी का 62.3 का। और नॉन दिल्ली में आप देख सकते हैं, नॉन दिल्ली में भी काफ़ी, नॉन दिल्ली के दोस्तों हमेशा से ये बात होती है बच्चे बाहर से आते हैं, आप बेशक ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा अगर आपकी परसेंटेज हाई है तो, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ कट ऑफ देख ही सकते हैं। और बी फार्म की दोस्तों थोड़ी हाई जाती है हमेशा से बी फार्म की काफ़ी हाई जाती है, जर्नल की 91, ओबीसी की 83, एससी की 79.6, एसटी की 56। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो नॉन दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर देख सको, यहाँ पर डैश डैश है, यहाँ पर दोस्तों ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाता है नॉन दिल्ली का। यहाँ पर बीपीटी की आप देख सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर, और दोस्तों ऐसे ही आप बीपीटी की भी देख सकते हैं, बीपीटी की यहाँ पर आपको दिखाई देगी एससी एसटी कितनी होती है। अब आप यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप यहाँ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।